नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फेसबुक लाइव में। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि अब से हमारी कोशिश यही रहेगी कि डेली अपने ऑडियंस से रूबरू हुआ जाए, तो मैं आपको बता दूं आज का जो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जारी है और खिलाड़ी लगातार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये साजिश के तहत खिलाड़ी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सभी के सभी आरोप बेबुनियाद है। इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अध्यक्ष के साथ ही विनेश फोगाट ने आज उपाध्यक्ष पर भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा इसमें हर कोई लिप्त है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि गोंडा में कल प्रतियोगिता होनी थी, नेशनल लेवल प्रतियोगिता है, लेकिन गोंडा में हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के जो प्लेयर हैं सभी के सभी वापस आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मनोबल डाउन हो चुका है, हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा गिर चुका है और हम अपने खिलाड़ी साथी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं उनका समर्थन करने जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। और कल प्रतियोगिता होनी थी, कल सुबह प्रतियोगिता होनी थी, उसको भी बहिष्कार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, आरोप लगाया कि जिस तरह की नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में आयोजन होना चाहिए, जिस तरह की चीज़ें यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए उस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। और इसके अलावा विनेश फोगाट से आज मीडिया की तरफ से बातचीत की गई, कई सवाल दागे गए जिस पर विनेश फोगाट ने काफ़ी बेबाकी से जवाब भी दिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी वो लड़कियाँ मौजूद हैं जो प्लेयर्स जिनके साथ मानसिक उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है, लेकिन फिलहाल बैठक से पहले किसी का भी नाम लेना और सब कुछ खुल के बोल देना लाजमी नहीं होगा। फिलहाल खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की बैठक जारी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ फैसला नहीं निकलता है तो वो कल भी सुबह 10 बजे जंतर मंतर बैठेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट उलटफेर हुआ है इस बड़े जो पूरा ड्रामा चल रहा है, ड्रामा कह लीजिए या फिर पूरा खेल रचा जा रहा है, उसमें बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में पूर्व रेसलर नरसिंह यादव समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी बेबुनियाद हैं। हर किसी को खुलकर खेलने का मौका बृजभूषण शरण सिंह देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाऊं, नरसिंह यादव वो रेसलर है जिनको 2016 रियो ओलंपिक के वक्त डोप टेस्ट में फेल हो गए थे और फिर इल्ज़ाम लगाया गया था सुशील कुमार पर, जो फिलहाल अभी जेल में है किस एक मामले को लेकर। उन पर आरोप लगाया गया था कि शायद उनके खाने में कुछ पाउडर जैसा किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के छोटे भाई ने मिला दिया है। हालांकि सुशील कुमार के कोच सतपाल ने कहा था अगर सुशील कुमार को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई तो हम इस पर मुकदमा करेंगे। इसी पर अभी समर्थन में नरसिंह यादव आ गए। उन्होंने कहा है कि इन पर इल्ज़ाम जितने भी लगाए गए हैं वो सभी के सभी बेबुनियाद हैं, इनसे कोई लेना देना बृजभूषण सिंह शरण का नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा में जितनी भी एकेडमी है, जितनी भी एकेडमी में प्रैक्टिस होती है वहाँ पर काफ़ी पक्षपात किया जाता है। उल्टा नरसिंह यादव ने हरियाणा की एकेडमी, जो रेसलिंग एकेडमीज हैं वहाँ पर जो भी खेल होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया पक्षपात का। उन्होंने कहा है कभी भी दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता, हरियाणा के में जितनी भी रेसलिंग प्रतियोगिताएं होती है वहाँ पर पक्षपात किया जाता है, ये साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक खिलाड़ियों का धरना जारी है। अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकल कर आता है तो खिलाड़ियों का कहना है, खासतौर पर विनेश फोगाट ने सभी के सभी मीडिया कर्मियों से बात की थी, उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था, उनसे जब ये पूछा गया कि हो सकता है कि हरियाणा या फिर यूपी का कोई मुद्दा तो नहीं बन गया है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि खिलाड़ियों में आपसी रंजिश, आपसी खेल भावना से इतर कंपटीशन में अपना आगे जाने के लिए बहुत कुछ होता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बहुत वक्त तक सहा है, उन्होंने ये कहा। और साथ ही साथ जब ये भी सवाल किया गया उनसे कि इतना वक्त क्यों लग गया आने पे, तो उन्होंने ये कहा कि हम बेटियाँ जो भारत देश की हैं वो ये सोचती है कि काफ़ी कुछ संकोच करती है, छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत साहस करके, बहुत हिम्मत करके हम सामने आए और हम अपने ऊपर जो आप बीती है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई निष्कर्ष निकले और जल्दी से जल्दी कोई फैसला आए और बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त किया जाए, उनका कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये तमाम बातें निकल कर सामने आई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह का हमेशा ही विवादों से मामला रहा है, बीजेपी के बाहुबली नेता रहे हैं, बाबरी
मस्जिद विध्वंस मामले में भी वो आरोपी थे, लेकिन 2020 में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह के साथ, तमाम के साथ 40 और अन्य लोगों के साथ वो बरी हो गए थे। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के गुर्गो को उनके बहनोई की साजिश में, मौत की साजिश में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पनाह देने का भी आरोप था। बहुत कुछ ऐसे मामलों में लिप्त रहे हैं, लेकिन हर मामले से बरी हो गए। अभी सिर्फ एक ही मामला उन पर जारी है जो लंबित है, अदरवाइज वो सब मामलों से बरी भी हो चुके हैं। लेकिन छवि उनकी बाहुबली नेता की है। पिछले कई वर्षों से, लगभग 30 सालों से, वो किसी ना किसी, खुद भी पहलवान थे, किसी ना किसी विवाद में लिप्त रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा हमेशा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रेसलर को, जो 15 साल से ऊपर का था, खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ जड़ दिया था, और क्योंकि खिलाड़ी की एलिजिबिलिटी जो थी, एज क्राइटेरिया, वो एक्सीड कर रहा था, तो गुस्से में वो खिलाड़ी शायद रिक्वेस्ट करने आया था स्टेज पर कि उस अंडर 15 से उसको हटा दिया गया, तो खिलाड़ी रिक्वेस्ट करने आया था कि शायद हो सकता है नेतागण मंच पर मौजूद है, उसकी कोई बात मान ली जाए, लेकिन जिरह करने लगा। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। तो ऐसा विवादों से मामला उनका काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है, फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि अभी जो बैठक चल रही है, उसके बाद कितनी देर में फैसला आएगा, फैसला आने के बाद ही खिलाड़ियों का कहना है कि हम कुछ कह पाएंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इसके अलावा किसी और मुद्दे पर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से चर्चा चाहते हैं तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हमेशा हमेशा निष्पक्ष है और इस पर चर्चा के लिए तैयार रहेगा, चाहे मुद्दा कोई भी है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की मुहिम यही है कि वो अपने ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो, ज़्यादा रूबरू हो और अपने ऑडियंस के व्यू पॉइंट भी जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।